हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक थर्सडे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टरबाइन कैसे काम करती है। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस में से एक हवा, जिसे हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वी यूज इट फॉर ब्रीदिंग, पर इसी से बिजली भी पैदा कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जब एयर और नेचुरल गैस या किसी भी लिक्विड फ्यूल को एक ही साथ कंबाइन किया जाता है, तब वो जनरेटर को रोटेट करता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। सो टरबाइन इज द हार्ट ऑफ अ पावर प्लांट। सबसे पहले टरबाइन के एक एंड से एयर को टरबाइन के अंदर भेजा जाता है। टरबाइन के कंप्रेशन सेक्शन के अंदर सभी एयर मॉलिक्यूल्स को एक साथ स्क्वीज किया जाता है। अब जैसे ही एयर को स्क्वीज किया जाता है, वैसे ही वो हार्ड हो जाती है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है। So the air gets harder and its pressure increases. Now the fuel is injected and this hot compressed air gets burned with the help of combustor. अब यही चीज हमारी गाड़ियों की IC इंजन में भी होती है, लेकिन आप स्क्रीन पर हॉर्स पावर में डिफरेंस देख सकते हैं। और अगर आप कभी फ्लाइट में बैठे होंगे तो उसके जेट इंजन को भी आपने देखा होगा वैसा ही। अब इस एयर फ्यूल मिक्सचर से जो गैस प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण टरबाइन ब्लेड्स रोटेट करती हैं अराउंड 3000 RPM। सो दिस केमिकल एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इसी के कारण टरबाइन का ड्राइव शाफ्ट भी रोटेट करता है, जो एक जनरेटर से कनेक्टेड होता है। अब इसी जनरेटर में एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, विच इज सराउंडेड बाय कॉपर वायर कॉइल्स। और जब वो जनरेटर का मैग्नेट स्पीड में रोटेट करेगा, तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। Now the rotating mechanical energy is converted into electrical energy. As we all know, the movement of electrons from electrical wires is known as electricity. अगर steam turbine के साथ साथ gas turbine को भी use किया गया, तो उससे 50% more energy भी produce की जा सकती है, और इसी को बोला जाता है combined cycle power plant. So that is it for today. This is Swapnil Nanavati signing off on Asli Engineering. More episodes of Tech Thursday coming up. Stay tuned. Thank you very much for watching. Jai Hind.